हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं रामपाल सिंह आज आपको रस प्रकरण के अंतर्गत रौद्र आदि रस के लक्षण उदाहरण आदि समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इससे पहले रस संबंधी जितने भी वीडियो पड़े हैं उनको एक बार जरूर देखें। ठीक, तो चलिए आज का हमारा बच्चों रस है रौद्र रस। ठीक, तो रौद्र रस का लक्षण क्या होता है, मतलब कैसे पहचाना जाए कि यहाँ रौद्र रस है। तो देखिए लिखा है, प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर या अपमान आदि के कारण हृदय में जो क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत होता है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर रौद्र रस बन जाता है। ठीक, तो ये कंडीशंस है कि यदि मान लो कोई कार्य हम करने बैठे और हमारे उस काम को करते समय हमारे सामने ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई कि उस काम में अड़चने ही अड़चने आ रही हैं ना, तो उस समय हमें बड़ी गुस्सा आती है। गुस्सा मतलब क्रोध है ना। तो किसी काम को करते समय यदि कोई अड़चन आती है तो उस अड़चन के समय हमें जो क्रोध आता है, या कोई हमारा गाहे बगाहे अपमान कर दे तो अपमान करने वाले के ऊपर भी हमें बहुत क्रोध आता है। तो वही है इसका लक्षण कि प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने पर या कोई अपमानजनक बात आदि कह देने पर हृदय में जो क्रोध उत्पन्न होता है, जो गुस्सा पैदा होती है, जो क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर रौद्र रस बन जाता है। ठीक, ये तो वही सब रसों की यहाँ से सेम हो जाती है परिभाषा, इसीलिए ये बहुत अच्छा है आपके लिए। किसी रस के लिए केवल उसके लक्षण को देख लें कि आखिर ये रस पैदा कैसे होता है। ठीक है ना, तो देखिए हमारे सामने ये उदाहरण है, इस उदाहरण को देखें हम। तो देखिए क्या है उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो नायक के सामने ऐसी विकट परिस्थिति आ गई, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आ गई कि उस समय उनका जो हृदय था वो एकदम क्रोध से भर गया और इतना तेजी से क्रोध आया कि तन कांपने उनका लगा, उनका सारा शरीर जो है वो गुस्से में एकदम कांपने लग गया। और कैसा लग रहा था, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अगर सागर शांत हो तो बड़ा गंभीर लगता है, लेकिन उसमें कहीं तूफान आ जाए, हवा आ जाए ना, तो उसकी फिर आवाज़ें सुने कितनी डरावनी होती हैं। कि ऐसे ही लग रहा था जैसे उनके क्रोध को जगा दिया गया हो। ठीक, और भी उदाहरण मिलेंगे आपको। ठीक, जैसे कि विनय न मानत जड़ जलधि जड़, गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भयबिन होए न प्रीत। जब 3 दिन तक श्री राम ने समुद्र से विनती की है ना, रास्ता दे दो रास्ता दे दो रास्ता दे दो, लेकिन वो जड़ समुद्र सुन ही नहीं रहा था। 3 दिन जब बीत गए इसी तरह से, बोले राम सकोप तब भयबिन होए न प्रीत। तब श्री राम को क्रोध आ गया कि जब तक भय ना दिखाया जाए तब तक कोई प्रेम भी नहीं करता, लगाव भी नहीं करता। तो ये क्रोध रस, ये रौद्र रस के उदाहरण है। अब बात करते हैं कि यहाँ विभाव, अनुभाव आदि क्या हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम काहे की, आलंबन की। ठीक, तो यहाँ रौद्र रस में आलंबन क्या हो सकता है,
रौद्र रस में जो आलंबन है वो हो सकता है। देखिए आलंबन क्या होता है, जिसके अंदर भाव जागने हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर भाव जागने हैं। तो किसके अंदर जागने होते हैं, ये भाव जागने होते हैं आपके योद्धा के अंदर, ठीक, योद्धा, ठीक, शत्रु आदि, ठीक, इनके अंदर ये भाव जागते हैं, क्रोध के भाव। अच्छा उद्दीपन क्या होता है, ठीक, उद्दीपन क्या होता है, तो उद्दीपन जिस कारण से भाव जागे, क्यों आया क्रोध, तो क्यों आता है क्रोध, यही लिखा है ना, अपमान आदि, तो शत्रु के कड़वे वचन, अपमानजनक वचन है ना, शत्रु के अपमानजनक वचन है ना। अच्छा लगातार कार्य की असफलता, निरंतर कार्य में असफलता, ठीक, उपहास, अनदेखी है ना, ये जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, उद्दीपन। हमारी लगातार कोई अनदेखी करे तो फिर हमें क्रोध आना स्वाभाविक है, हमारा कोई उपहास उड़ाए तो हमें क्रोध आना स्वाभाविक है। इसी तरह से हम किसी कार्य को बार बार कर रहे हैं फिर गलत हो जाए, तो हमें उस समय भी घोर गुस्सा आती है, और यदि कोई हमारा अपमान कर दे तब भी घोर क्रोध आता है, ठीक। तो आलंबन हो गए, योद्धा हो गए, शत्रु हो गए, है ना, या कोई भी कार्य करने वाला हो गया, और उद्दीपन हो गए, शत्रु का के अपमानजनक वचन, निरंतर कार्य में असफलता, उपहास, अनदेखी आदि, और भी हो सकते हैं। इसके बाद बात आती है अनुभव की, ठीक, तो आप बताएं अनुभव के समय क्या स्थिति होगी, यानी हमारी शारीरिक हरकतें क्या होगी गुस्से में, ठीक, तो क्या होंगे, निचला ओंठ चुभलाना है ना, यानी निचले ओंठ को चबाना, आँखें फड़कना, आँखें चौड़ी हो जाना है ना, और एकदम शरीर कांपने लगना, ठीक, और नाक से अजीब प्रकार की गर्मा गर्म सांसें निकलना, तो ये सब क्या कहलाएंगे, अनुभव, क्या, लाल आँखें है ना, लाल आँखें, ठीक, शरीर का कांपना। देखो जैसे इसी उदाहरण में आप पढ़ सकते हैं कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, है ना, तो शरीर का कांपना। अच्छा पसीना आना, ये भी, हाँ, क्रोध की एक ये भी पहचान होती है, पसीना आना, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो पक्का है पसीना तो आएगा ही, ठीक, पसीना आना, ओंठ कुचलना, ठीक, अपने पराए नहीं, अपने ओंठ कुचलना, चबाना जिसे बोलते हैं, ठीक, इस तरह से और भी होते हैं। अच्छा अब बात आती है संचारी भाव की, ठीक, तो संचारी भाव तो पहले से ही निहित होते हैं, ठीक, तो क्या होगा, उद्विग्नता, चपलता, विषाद, निराशा, ठीक, ये, और एक उद्वेग, एक टाइप का किसी का अहित कर देने की अंदरूनी इच्छा, तो ये सब होंगे आपके संचारी भाव, ठीक। तो ये आपका था रौद्र रस, आप एक बार अच्छी तरह से देख लें और इसको कायदे से समझ लें, ठीक, पूरे लक्षण को, बहुत अच्छे अच्छे लक्षण दिए गए हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि नामक से जैसे ही शुरू होते हैं तो सभी रसों की मैंने एक ऐसी परिभाषा बनाई है, इतनी परिभाषा सबकी एक ही है, आप पुराने वीडियो को देखें, सबकी नामक से, नामक स्थाई भाव जागृत होता है, वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस बन जाता है, रौद्र रस बन जाता है, करुण रस बन जाता है, श्रृंगार रस बन जाता है, यानी इतना जो मैंने आपको बताया है ये हिस्सा बिल्कुल मैंने हर परिभाषा में ज्यों का त्यों रखा है। तो बहुत ही आसान परिभाषाएं हैं, है ना, हमें हर रस के लिए अलग अलग परिभाषाएं नहीं याद करनी है, ठीक। रौद्र रस के बाद अब अगला रस है भयानक रस, ठीक, तो भयानक नाम से ही उसमें छुपा है, भय लगेगा, डर है ना, रात की काली अंधेरी रात हो, है ना, चारों तरफ साएं साएं तो डर लगेगा, ऐसे ही कुछ लक्षण हैं। देखें भयानक वस्तु
या किसी भयानक जीव को या किसी भयानक घटना को देखने या सुनने से, ठीक, या शत्रु के असीम पराक्रम के कारण, असीम शौर्य मतलब इतना ज़्यादा वो एकदम मार काट मचा दे, है ना, भगदड़ मच रहा है डर की वजह से, तो शत्रु के असीम पराक्रम के कारण हृदय में जो भय नामक स्थायी भाव जागृत होता है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर भयानक रस बन जाता है। ठीक, तो यहाँ मेरे कहने का आशय यह है बच्चों कि केवल ये तीन चीज़ें नहीं कि भयानक वस्तु देखें, भयानक घटना देखें, भयानक जीव देखें या कोई शत्रु का असीम पराक्रम देखें, भय पैदा करने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए वस्तु घटना को लगा दिया ताकि आप, कोई स्थान भी ऐसा होता है ना या कोई समय भी ऐसा होता है, दिन में किसी को भय नहीं लगता स्थान आदि से, लेकिन रात में देखो, अब मैं बता रहा हूँ कि अकेला सुनसान जंगल का एरिया हो, रात्रि के 12 बज रहे हों, आप एकमात्र अकेले बटोही हैं, मतलब यात्री हैं उस जंगल के, चारों तरफ कोसों कोसों तक कोई बस्ती ना हो, ठीक, ऐसी स्थिति में आपके अंदर उस एकांतपन का हो, चाहे कुछ ना उस जंगल में, लेकिन आपको उस एकांत का भय आना स्वाभाविक है। अब वो भय चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, मतलब लौकिक का अर्थ है सांप, बिच्छू, शेर इत्यादि जानवरों का, जीवों का, अलौकिक भय का मतलब ना जैसे भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन आदि का भी है ना, बहुत से लोग होते हैं जो इनको मानते हैं, वैसे मैं नहीं मानता, आप भी मत मानिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन डर तो होता है बहुत से लोगों में, है ना, हम अकेले जा रहे हैं कहीं हमें पीछे से कोई पकड़ ना ले, भूत ना ले जाए उठा के, या शेर ना ले जाए, तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं जो हमारे हृदय में भय पैदा कर देते हैं। तो यहाँ केवल कुछ ही चीज़ें हमें लिखना है ना, क्योंकि उसी में सारी लाइनें नहीं भर देना है कि फिर भूत का डर, प्रेत का डर, शेर का डर, बस लिख दिया हमने कि भयानक वस्तु या कोई भयानक जीव या कोई भयानक घटना को देखने सुनने से या शत्रु के असीम पराक्रम के कारण, है ना, महाभारत का युद्ध चल रहा है और भीष्म पितामह एक एक बाण को, है ना, एक एक बाण से और शतमुखी बना बना उन बाणों को 100-100 150 के योद्धा एक बार में मार रहे हैं, तो जो सेना है वो क्या है, भय में पड़ जाएगी और पांव उसके उखड़ जाएंगे। तो शत्रु के पराक्रम को देख करके, मेघनाथ के पराक्रम को देख करके, जिस प्रकार से वानर सेना के पैर उखड़ गए थे डर के कारण, है ना, या लक्ष्मण आदि के पराक्रम को देख करके राक्षस दल भाग खड़े हुए थे, तो शत्रु के असीम पराक्रम के कारण हृदय में जो भय नामक स्थायी भाव जागृत होता है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर भयानक रस बन जाता है। ठीक है, पुष्ट के लिए ये तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आपके सामने एक उदाहरण है, बहुत सरल है, उसका आपको अर्थ भी पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। देखिए, एक ओर अजगर हिलक, एक ओर मृगराय, और विकल बटोही बीच ही परो मूर्छा खाए। अब बटोही, बटोही मतलब रास्ते पे चलने वाला यात्री, एक यात्री है जंगल से गुजर रहा है, जो अभी मैंने बताया था ना, तो वो यात्री जंगल से गुजर रहा है, तो क्या हुआ कि उसके सामने अचानक से शेर आ गया, तो उस शेर को देख करके वो पीछे की ओर भागा, तो पीछे उसने देखा कि अजगर है, एक ओर अजगर ही लख, एक ओर मृगराय, मृगराय मतलब मृग माने जानवर, राय माने राजा, जानवरों का राजा अर्थात शेर। तो उस यात्री ने अपनी एक ओर अजगर को देखा और दूसरी ओर सिंह को देखा, तो दोनों को देख करके अब जाए कहाँ पर, है ना, आगे कुआं और पीछे खाई। तो ऐसी स्थिति में विकल बटोही, बेचारा जो बटोही था पर वो मूर्छा खाए, वहीं दोनों के बीच में मूर्छित होके गिर गया, क्योंकि उसे पता था कि इस स्थिति में मेरे पास अब अपने प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं है, पीछे भाग रहा है तो शेर खड़ा है, आगे भाग रहा है तो अजगर खड़ा है मुंबई, तो ऐसी स्थिति में बेचारा बटोही जो है वो बीच में ही मूर्छा खा के गिर गया।
ठीक, तो डरा होगा तभी तो मूर्छा आई। तो देखिए, तो चलिए देखें अब इसमें आलम्बन, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव आदि क्या है। ठीक, तो देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं आश्रय की, ठीक, तो इसमें जो आश्रय है वो है आपका बटोही। बटोही मतलब यात्री, क्योंकि इसी के अंदर तो भाई राज जागा है ना, तो जिसमें रस जागता है वही आश्रय होता है। अच्छा, विषय, विषय क्या है? तो विषय यानी किसके कारण रस जगा, तो अजगर के कारण रस जगा, ठीक, और मृग राय अर्थात सिंह के कारण रस जगा, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद आपका हो गया आश्रय, हो गया विषय, हो गया उद्दीपन, ठीक, क्यों जगा, आखिर ऐसा क्या अजगर और सिंह में था, तो हो सकता है अजगर की फुंकार और सिंह की दहाड़, है ना, फुंकार। अब लिख ले से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब फुंकार आपको पता है किसकी फुंकार होती है, अजगर की, और दहाड़, दहाड़ किसकी होती है, सिंह की, ठीक। तो ये उद्दीपन थे। अच्छा, अनुभव, अब अनुभव जो है ये अनुभव किए होंगे किसने, इस बटोही ने, ठीक। तो अब बटोही की क्या पोजीशन हुई होगी ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में शरीर कांपा होगा, है ना, शरीर का कांपना, बिल्कुल कांपा होगा, सामने मौत खड़ी हो, और वो भी एक तरफ नहीं दोनों तरफ, है ना, शरीर कांपा होगा, पसीना भी आया होगा, है ना, पसीना आना आया होगा ना, पसीना। अच्छा, और शरीर कांपना, पसीना आना, घिघी बन जाना, है ना, जैसे बिल्कुल मुंह से बिल्कुल आवाज़ ना निकले, घिघी बन जाना, आँखें एकदम फैल जाना, ठीक, और मुँह बिल्कुल पीला पड़ जाना, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाए, ये सब क्या होंगे, अनुभव। और अब इसके बाद आते हैं संचारी भाव, ठीक। तो संचारी भाव क्या होते हैं, संचारी भाव देखिए क्या क्या यहाँ पर संचरण हुआ होगा, तो क्या क्या इसके अंदर अब हुआ होगा बटोही के अंदर, तो देखिए मूर्छा तो हो ही गई, यहीं लिखा हुआ है, ठीक, तो मूर्छा, ठीक। अच्छा, दीनता, देन, देन मतलब दीनता, है ना, मतलब इस तरह से असहायपन रह गया होगा वहीं खड़े होके कि अब चाहे मरे चाहे जिए जो होना है सो, तो दीनता, देन, है ना। अच्छा, विषाद कहाँ से आ गए इस जंगल में, है ना, अंदर ही अंदर। स्मृति भी, हाँ बिल्कुल स्मृति कर रहा होगा, है ठीक, गलती कर दी कि इस जंगल में आ गए, है ना, ना आते तो काहे के लिए मरते। तो मूर्छा, दैन और स्मृति, विषाद इत्यादि जो हैं ये संचारी भाव हैं, ठीक। तो इस तरह से आपका भयानक रस भी कंप्लीट हुआ, और आशा करता हूँ आपको ये भी अन्य रसों की तरह बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और यदि प्यारे बच्चों हमारे पढ़ाए हुए जो भी टॉपिक होते हैं आपको पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है, होप है यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और कोई भी समस्या नहीं रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आता है आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करे रहेंगे तो कोई भी वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको ये जो कोर्स मिलते हैं ये आपके लिए कितने ज़्यादा यूजफुल साबित होते हैं। इसके अलावा यदि आप डायरेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो एक्सपी क्लासेस का खुद का ऐप उपस्थित है, प्ले स्टोर में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ सॉल्यूशन, नोट्स और डाउट क्लियरेंस कराए जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मिनिमम प्राइस पर, मिनिमम फीस पर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम से मिनिमम आपकी फीस रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, और साथ ही यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल को
फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। यहाँ पर आप हमसे पर्सनल बात भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी के। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।